श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रियंका विद सुविचार में। दोस्तों, भगवान शिव डमरू वाले हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव डमरू वाले हैं और इनके डमरू की धुन जिस व्यक्ति को भी सुनाई देती है उसके जीवन में हमारे भोलेनाथ कभी भी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। इसलिए आज एक बार फिर से भगवान शिव संदेश के रूप में आप सभी के लिए डमरू का यह सुंदर सी धुन लेकर के आए हैं, जो हमारे जीवन में अमृत की तरह घुल जाएगी। और अगर आपको भी इस डमरू की धुन सुनाती है तो आपको इस डमरू को स्पर्श करना होगा। इसलिए सामने जो आपको तीन डमरू दिखाई दे रहा है उनमें से आपको केवल एक ही डमरू अपने स्वयं के लिए चुनना होगा। फिर देखिए आपके सामने क्या संदेश आता है, यह स्वयं आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक आपके लिए एक डमरू चुन लिया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आज का संदेश सुनाना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने भी दो नंबर का डमरू चुना है उन्हें भगवान शिव कहना चाहते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो। अरे, तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल देता है, समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा सा समय दे दो ताकि वह भी अपना समय बदल सकते। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। कल अच्छा था तो आज बुरा है, और कल बुरा था तो यकीन मानो कि आज अच्छा ही होगा। इसलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से में आता है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर के तुम्हारे ही पास लौट करके आता है। इसलिए आगे की जिंदगी यदि जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वहीं कल पाओगे। आज तुम जो बोओगे वहीं कल पाओगे। और यह बात कभी भी मत बोलना, एक बात हमेशा याद रखना कि सुंदरता से ज़्यादा चरित्र महत्व रखता है, सुंदरता से ज़्यादा चरित्र महत्व रखता है। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो और आप पीछे वापस जा सकते हैं। एक बात आप भी है कि आप पीछे वापस नहीं जा सकते। जो गुजर गया है वह गुजर गया है, वह बदलना अब आपके हाथ में नहीं, इसलिए उसे जाने दो। उससे बस एक सीख लो और शुरुआत जैसी थी उसे भी आप बदल नहीं सकते, इसलिए उसे भी जाने दो। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है, अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा अंत भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधरने की कोशिश करता है तो उनकी मदद तो स्वयं ही भोलेनाथ करते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मेरा हाथ थामो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने नंबर तीन का डमरू चुना है उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। अरे, जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, ज़्यादा कोशिश ना करो। चलते हुए वक्त के साथ चलो, चलते हुए वक्त के साथ चलो। वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, दिल खोल कर सांस लो। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें तेरे इस शिव पर छोड़ दे, कुछ बातें तेरे इस शिव पर छोड़ दे। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना करो। बस जिंदगी जीने का तुम्हारा जो हुनर है उसे ऐसा रखो कि लोगों को लगे कि तुम हार रहे हो, लोगों को लगे कि तुम हार रहे हो, लेकिन वास्तव में जीत तुम्हारी हो, वास्तव में जीत तुम्हारी हो। अरे, भले ही तुम्हारा सपना एक होगा,
लेकिन उसमें मुश्किलें हजार आएगी, यह एक बात याद रखना, उसमें मुश्किलें हजारों आएगी, यह बात याद रखना, लेकिन वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी तुम्हारे पास के शोर मचाएगी, जब कामयाबी तुम्हारे पास आकर के शोर मचाएगी। तुम्हारे जीवन यदि कोई कठिनाई आ रही है तो यह मानो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अरे जिंदगी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो यह मानो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन बार बार तकलीफें आ रही है तो फिर खुद की ही पीठ थपथपाओ, क्योंकि तुम तो एक योद्धा हो, इसलिए संघर्ष की लड़ाई तुम्हारे हिस्से में भगवान शिव ने दी है। संघर्ष की लड़ाई तुम्हारे हिस्से में भगवान शिव ने दी है, और संघर्ष के साथ यदि तू मेरा नाम लेगा, मुझसे सदा जुड़ा रहेगा, तो मैं भी तुमसे सदा यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का डमरू यानी कि नंबर एक चुना है, उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि अरे समुंदर में कितने भी तूफान आए, वह अपने शांति का मार्ग नहीं छोड़ता है। समुंदर में चाहे कितने भी तूफान आए, वह अपने शांति का मार्ग नहीं छोड़ता है। वैसे ही तुम्हारे ज़िंदगी में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी तूफान आए, तुम शांति और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सुख खुद तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। बस तू तेरे कर्मों पर और ईमानदारी पर हमेशा टिका रहना, ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। तू बस तेरे कर्मों पर और ईमानदारी के रास्तों पर हमेशा भरोसा रख, तेरे सुख तो तुझे तेरे शिव की लाकर ही देंगे, तेरे सुख तो तुझे तेरा यह शिव ही लाकर ही देंगे। भरोसा रख, सही समय आने पर तुझे इतना मिलेगा कि मांगने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मांगने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे तेरे साथ तेरा यह पालनहार तेरा शिव खड़ा है, तो फिर तुझे चिंता किस बात की है। तू बस क्रोध ईर्ष्या की बजाय सिर्फ प्रेम को चुन, क्योंकि प्रेम से ही जीवन में शांति मिलती है, प्रेम से ही जीवन में शांति मिलती है। अरे ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी होता है, दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी होता है। और जो दूसरों की ज़िंदगी में प्रेम भरता रहता है, उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ तू डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने यह तीनों ही संदेश सुने होंगे, तो यह आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो फिर वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी अच्छा मार्ग ही नहीं मिलता है, और उनके पास यदि यह शिव जी का संदेश चला जाए तो इससे बड़ा हमारे जीवन का कोई पुण्य ही नहीं होगा, क्योंकि किसी हारे हुए इंसान की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। भगवान शिव ने हमें आज के संदेश के माध्यम से यही कहा है कि कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संघर्ष के समय में भी भगवान शिव हमारे साथ रहते हैं, इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो जाते जाते सभी शिव भक्त एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें, और हमारे चैनल प्रियंका विद शो विचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। महादेव सदैव आपके साथ रहेंगे, आपकी हर परेशानी को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।